का डाला आधा चम्मच और ये डाले हैं दो मीडियम साइज के प्याज। प्याज हल्के से पकेंगे तो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का कुटा हुआ पेस्ट डालेंगे। प्याज को थोड़ा गोल्डन करना है, इसके बाद हम टमाटर डालेंगे। अब ये लाइट ब्राउन हो गया है, अभी इसमें हम डालेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर। दो से कम भी होंगे तो भी सही है। नमक हम डाल चुके हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इस वक्त और डाल सकते हैं। हमने अदरक हरी मिर्च कूटते वक्त थोड़ा सा नमक डाला था ताकि वो आराम से कूट जाए। अब हम बाकी का बचा हुआ नमक भी डाल देंगे, साथ ही डालेंगे हल्दी पाउडर ताकि हल्दी भी पक जाए। और एक बार फिर से चला लेंगे। हल्दी पकाने से उसकी स्मेल जो होती है, महक होती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए उसे अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं टमाटर गल चुके हैं। अब ऐसे में हम इसमें डाल लेंगे ये ग्वार। ग्वार लगभग 300-350 ग्राम है। ये डालने के बाद एक बार फिर से अच्छी तरह से चलाएंगे। हम यहाँ पर आपके लिए स्पेशली आज चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, खेत में बैठकर चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं आपको हमारे किचन से देसी टच मिले, देसी स्वाद कैसा होता है, देसी खाना किस तरह बनता है, ये हम आपको बता सकें। अब सब्ज़ी चलाते हुए हमें लगातार 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कचरी। कचरी एक देसी सब्ज़ी है जो ज़्यादातर राजस्थान में, हरियाणा में मिलती है और इसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। या आप देख सकते हैं ये परवल की शेप की है और अंदर से जैसे कुंदरू होता है उसी तरह है ये। ये स्वाद में खट्टी है। अब हम इसे अपनी सब्ज़ी में शामिल करेंगे। वैसे तो हमने इसमें टमाटर भी डाला है लेकिन इसको देसी स्वाद देने के लिए हम इसमें कचरी भी डालेंगे। कचरी लगभग 200 ग्राम है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। शहरों में कचरी नहीं मिलती है तो वहाँ पे आप इसमें आलू इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसे अब ढक देंगे और धीमी आंच पे ही रखेंगे। ये अपने ही पानी में पूरी तरह से गल जाएगी। ढक्कन पे हमने पानी डाला है ताकि इसकी जो भाप बने उस भाप से सब्ज़ी ज़्यादा जल्दी गल जाए। अब हम इसे बीच में चेक करेंगे, आहिस्ता से इसे उठाएंगे और देखिए सब्ज़ी लगभग गलने वाली है। पानी नहीं डाला है हमने, अपने पानी में ही तैयार हो रही है और इस वक्त आप नहीं लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इस पे ढक्कन लगाएंगे लेकिन उससे पहले ढक्कन पे जो हमने पानी रखा था उसे फेंक देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, सब्ज़ी लगभग गल गई है। 3-4 मिनट सब्ज़ी को और ढक के रखेंगे।